sorry, sweetie. I'm really sorry, Mania. Mama, this is not fair. मैं आपको सारा टाइम ढूंढता रहा. मेरे सारे फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे कि तेरी मॉम क्यों नहीं आई. बेबी मेरी गलती नहीं, एक्चुअली टीना आंटी का एक्सीडेंट हो गया था. आई जस्ट हैड टू गो टू द हॉस्पिटल. क्या हुआ टीना आंटी को? उनकी गाड़ी एक छोटी लड़की के साथ टकरा गई. लकीली कुछ नहीं हुआ, दोनों ठीक हैं. एनीवे, हाउ वाज योर गेम? हाफ सेंचुरी मारी. सो दैट्स नाइस. आर यू फीलिंग बैड? मामा आप आते थे ना तो 75 रन बन जाते. ठीक है, मैं अगली बार आऊंगी, पर प्रॉमिस करो पूरी एक सेंचुरी. डील. अब चलो चेंज तो करो, कपड़े नहाओ. गंदे बदबू मार रहा. नहीं कबदबू नहीं मार रहा हूँ. चलिए एक मिनट, ये बैट किसका है? मेरा. नहीं तुम्हारा बैट तो दूसरा है ना, वो भारी वाला. हाँ मामा, वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही भारी हो गया था, इसलिए मेरे फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया. और थोड़े दिन पहले ही दिया उसने. तो मैं जाऊं नाने. राज, रात में नींद कैसी आई? चाय थर्मस में तैयार है, जैसी आपको पसंद है. आपकी स्पेशल मीटिंग शाम 5 बजे. थैंक यू. रेबा, क्यों करते हो मेरे लिए इतना सब कुछ? तुम देखो मुझे इतना मत संभालो के किरने टूटने की आदत ही छूट जाए मेरी. क्यों करती हो? क्यों? Because I love you. टीना का तो दिमाग खराब हो गया है. वो और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पॉसिबल. इस तरह किसी को राइट ऑफ नहीं करते हैं विद्या. राइट ऑफ नहीं कर रही हूँ नीलू. जो लड़की अपने आप को, अपनी शादी को नहीं संभाल पाई, वो एक और जान को संभालेगी? वो पास था उसका, तो जो बीत गया उसके सहारे जीती रहे वो हमेशा, या कल की उम्मीद में जिए? और विद्या, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त होने के नाते हमें तो यही मनाना चाहिए ना कि उसका जो भी हो अच्छा ही हो. Let's just pray that this girl brings some meaning into her life. कुछ मजबूती आए उसकी जिंदगी में. Well, I hope so. For her sake and for the child's sake, I really hope so. Yeah, that's it.
गुड गुड। रोहन, रोहन, तुम ठीक हो? आ जाओ, आ जाओ। क्या जोर से लगेगा? कुछ नहीं, सर पे थोड़ी चोट है। मैं इसके साथ हूँ। इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जी। चलो बेटा, ये एप्पल खा लो। नहीं, पेट भर गया। पेट कैसे भर गया? ना तुमने दूध पिया, ना एप्पल खाया। चलो, वन मोर, लिटिल बिट, ओके? गुड गर्ल। फिर तुम ठीक जल्दी हो जाओगी, है ना? और फिर आप आके आंटी के साथ रहो, रहोगे ना? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यू'ल बी ओके। सिस्टर, एक्सक्यूज मी, ये इसको चोट लग गई है, ये क्रिकेट बॉल लग गया था। रवि, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। अंकल, कम ऑन बेटा। अंकल, मम्मी को फोन करिए ना। मम्मी को मैं फोन कर दूंगा, अब पहले डॉक्टर से मिल ले। हाँ बस बस, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, यू'ल बी टोटली ओके। रोहन, कितना क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेल खेल के पागल हो जाएगा, कोई नोट भी नहीं छोड़ के गया। खाना ही गरम कर देती हूँ तब तक मैं जाकर। हेलो, हेलो पिक्सी। ओ हाय टीना, कैसी है तू? इनफैक्ट वो लड़की कैसी है? देख बाबा, मैं तुम्हारा नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ, तुम हो कहाँ? मैं अभी तो घर घुसी हूँ। अच्छा सुनो, वो सब बाद में, तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? देखो पिक्सी, पैनिक मत होना, लेकिन रोहन यहाँ है। रोहन को क्या हुआ है? पिक्सी, मैंने कहा ना पैनिक मत होना, ही इज ओके, बस थोड़ा सा डरा हुआ है और नथिंग, वो बस क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गया उसे। बहुत जोर की चोट लगी है क्या? पिक्सी, कोई बात नहीं, ही इज जस्ट रियल स्केयर्ड। तुम जल्दी से आ जाओ, रवि भी यहाँ पर है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हद यार, मेरे बच्चे के साथ ही ये सब क्यों होना होता है? आपकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। वेल ग्रोवर साहब, मुझे खुशी इस बात की कि आपको हमारी रिपोर्ट ठीक लगी। ठीक, इट्स मार्वेलस, रिस्क भी पॉइंट आउट किया है। वैसे एक बात कहूँ, हम मर्द बहुत सेल्फिश होते हैं। मैं समझा नहीं। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो इस रिपोर्ट के पीछे, बल्कि मेरे यहाँ होने के पीछे रेवा का हाथ है। वी मस्ट गिव द क्रेडिट टू हर। रेवा जी को हम कैसे भूल सकते हैं? ये ना होती तो हम दोनों नहीं मिलते। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। आप दोनों का काम आगे बढ़े, सफल हो, इससे बड़ी खुशी मुझे क्या मिल सकती है? ये लीजिए सर, आपका चेक। ग्रोवर साहब, अगर ये चेक आप रेवा को दें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मुझे तो देना ही है, आप ले या मैडम। प्लीज रेवा, ठीक है? थैंक यू, आई होप यू आर हैप्पी विद आवर सर्विस। मोर देन हैप्पी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय। हाँ रेवा, तब हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? लेट्स सेलिब्रेट, आफ्टर ऑल आज हमारी पहली कमाई हुई है। हमारी? हाँ रेवा, हमारी। रेवा, इस प्रोजेक्ट में तुमने भी उतनी मेहनत की जितनी मैंने की, बल्कि तुमने तो ज्यादा की। रिमेंबर, इट टेक्स टू टू टैंगो। सो क्या करें? लेट्स ऑर्डर शैंपेन। पहली कमाई की खुशी में लेट्स हैव शैंपेन। एब्सोल्युटली। कमाल है, घर से फोन? घर से? मगर घर में तो कोई है नहीं, स्ट्रेंज। हेलो। हे डैड। विकी, अरे विकी तू कब आया? मैं घर पहुंच गया हूं। आप कहाँ पर है पापा? मैं तो बस यही हूँ बेटा। आप घर आ रहे हैं ना? I'm dying to meet you. बस मैं अभी आता हूँ। आप जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, बाय बाय। विकी इज हियर, इट्स ग्रेट। चोट लगी है, लेकिन सिर्फ जस्ट बी ऑन द सेफ साइड, डॉक्टर्स उसके सर का एक्सरे कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सीटी स्कैन भी करेंगे, बट ही इज ओके, मतलब बोल चल रहा है। तुम लोग सच बोल रहे हो ना? हाँ पिक्सी। यस। नहीं देखो,
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो ये बात नहीं है, मुझे प्लीज सच बता दो। हमारा बेटा ठीक है, इज ओके। क्या कहा तुमने? हमारा बेटा? ओके, आई एम सॉरी, तुम्हारा बेटा रोहन ठीक है। नहीं ओके रवि, आई हैप्पी या मैं आई डिडंट या इट्स ओके एंड ही इज फाइन राइट। अरे यार, इट्स सो गुड टू सी यू। सेम, इट्स सो गुड टू बी बैक होम। हाय आंटी। हाय बेटा, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। अरे तू ऐसे कैसे आ गया? क्यों, अब खुश नहीं हुए क्या? अरे तुझे देखकर जितनी खुशी होती ना, दुनिया में किसी को देखकर नहीं होती। तू ही तो मेरा सब कुछ है, मेरा आज है, मेरा कल है। कैसा है तू? बहुत अच्छा, आपसे मिलकर तो और भी अच्छा फील कर रहा हूं। सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम से आ गया तू? इसे ही तो कहते हैं सरप्राइज। मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। सरप्राइज करना चाहते थे? सरप्राइज तो तुमने मुझे कर दिया है। Well, आपके लिए एक और सरप्राइज भी है। एक और है? क्या है, कौन है? जब मैं लंदन से आ रहा था, मेरे साथ कोई और भी आई है। तुम्हारे साथ कोई और भी आई है? You mean it's a girl? Yes, Dad. एक मिनट। हाँ, sure. He's a growing man. पापा, तानिया। हेलो अंकल। हेलो तानिया। तानिया, आंटी रेवा। हाय तानिया। हाय। पापा, तानिया और मैं लंदन एयरपोर्ट पर मिले। ओके। क्या करती हो? अमेरिका गई थी अंकल, पढ़ाई करने। अब इंडिया आ गई हूँ, काम करने। दैट्स स्ट्रेंज। यहाँ से जो वहाँ एक बार जाता है, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। यस, ब्रेन ड्रेन। यहाँ से जो भी यंग प्रोफेशनल जाते हैं, लौट कर ही नहीं आते। हाँ, पर मैं वापस आ गई और यहीं रहना चाहती हूँ। That's interesting. पापा, actually तानिया और मैं, you know, we got along very well. How well? Well, अंकल, हम जब वेटिंग रूम में कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे, बस हम दो इंडियंस थे और वहाँ बातचीत शुरू हो गई और दोस्ती हो गई। हाँ, you know अंकल, विक्की आपके बारे में बहुत बातें करता है। अब तुम अपने पापा से बात करो, मैं चलती हूँ। पापा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं कैब ले लूँगी। नो, ही विल ड्रॉप यू, डोंट ड्रॉप। इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट आली, बाय बाय। कम अगेन, टेक केयर। श्योर, कम अगेन, बाय। आई कॉल यू, बाय। वेल, स्वीट। या शी इज। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं करना चाहिए। अरे तुम रुको ना। अरे नहीं, इतने दिनों के बाद मिले हो तुम दोनों, ही सरप्राइज यू, एंजॉय योर सरप्राइज। मैं चलती हूं। ओके, चलो, कम, आई विल ड्रॉप यू, आई विल मैनेज। ओके, बाय बाय विक्की, बाय, टेक केयर। Yeah, good night. Good night. So, इनसे मुलाकात हुई है लंदन में, फ्लाइट में। कुछ सीरियस चक्कर तो नहीं? पापा, yeah, it is serious. And how serious is it? Well, मैं और तानिया शादी करना चाहते हैं। What? Yeah, पापा, जब मैं तानिया से पहली बार लंदन एयरपोर्ट पर मिला, I got this gut feeling that she's the one for me. And अगर इस बार मैंने अपनी gut feeling को follow नहीं किया, तो शायद late हो जाएगा। हाँ बेटा, कभी कभी अपनी gut feeling को नहीं follow करने से वाकई देर हो ही जाती है। तू थका होगा, जा आराम कर। Okay, Dad. See you tomorrow. Excuse me, sister. वो रिपोर्ट आई रोहन की? हाँ, रिपोर्ट आ गई है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब सब क्लियर है? Yeah. Oh, thank God. वैसे डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी है आपके बेटे के लिए। मेरे बेटे के लिए? Any problem, sir? नहीं नहीं सिस्टर, कुछ नहीं। आप बात बोलो, आपका हाँ. बेटा बहुत बहादुर है। हाँ, वाकई बहुत बहादुर है मेरा बेटा। मैं और तानिया शादी करना चाहते हैं। जब मैं तानिया से पहली बार लंदन एयरपोर्ट पर मिला, आई गॉट दिस गट फीलिंग दैट शी इज द वन फॉर मी। एंड अगर इस बार मैंने अपनी गट फीलिंग को फॉलो नहीं किया,
शायद लेट हो जाएगा। विराज, रेवा ने अपना घर बेच दिया। मेरा घर बचाने के लिए तुमने अपना घर बेच दिया? ये क्या क्या तुमने ले दे कि सिर्फ एक घर ही तो है तुम्हारे पास? मेरे पास राज भी एक ही है। बस ये एक NRI है और यहाँ इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। That's very nice. इन्वेस्ट करना चाहता, but why does he need me? Because तुम उसे कंसल्टेंसी दोगे। इस काम के लिए ना तुम्हें ऑफिस की जरूरत है, ना स्टाफ की, और ना ही कैपिटल की। बस यू नीड योर बिजनेस एक्यूमेंट एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंस ऑन दैट। पहले तो इतने दिनों के बाद मैंने किसी के लिए खाना बनाया है। आई वाज सो नर्वस कि कोई गड़बड़ हो जाएगी। आई रियली वांटेड टू बी स्पेशल। तुमने जो मेरे लिए किया है, ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी नहीं। राज, तुम लेन देन की बातें क्यों करते रहते हो? ये कोई बिजनेस डील नहीं है। आई केयर फॉर यू राज। ओहो, क्या बात है मामा। वो नीता के शॉप में एक आदमी मिला था, उसने मुझे एक फैंटास्टिक आइडिया दिया है। कोई फिल्म का चक्कर तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, एक बिजनेस प्रपोजल है। बिजनेस? हाँ मामा, वो हमारा एप्पल का बागान है ना, उसी सिलसिले में। तो उसका क्या? मामा आजकल वो कॉस्मेटिक्स में नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें वो अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो बायो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अरे वाह मामा, आपको तो सब कुछ पता है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। माँ किसकी हूँ। अच्छा सुनिए ना, तो वो चाहता है कि हमें एप्पल का बल्ब उसे बेचे और वो उसे अपने प्रोडक्ट में यूज करेगा और उसे मार्केट करेगा। पर बेटा इसमें कुछ अम्मा क्या है, इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है? देखिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी होगी। ऑल वी हैव टू डू इज सेल द बल्ब टू हिम। माँ हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही है ना। सो मामा इज़न्ट दिस अ ग्रेट आइडिया? हाँ बेटा, आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है। मेरी बेटी कितनी सियानी हो गई है। आखिर बेटी किसकी हो? चलो अच्छा है, सो तो गया। क्या तुम बताओ? क्या मैं क्या बताऊं? यही कि ये सब सच है। क्या सब सच है? What are you thinking? यही जो तुमने अभी सोचा, अभी कहा, ये जो तय किया है, उसकी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? कहो ना, तुम्हें क्या लगता है? मुझे मुझे डर लगता है। किस बात का? इस बात का कि तुम ये अपना डिसीजन कहीं अचानक चेंज ना कर दो। अगर तुम बचकर कहीं भागना चाहते हो, यू सैडली मिस्टेकन। यू श्योर? आई एम श्योर।